एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, आफ्टरनून का टाइम है। सूरज देख के आपको पता चल ही गया होगा कि टाइम हो रहा होगा करीब 1:15 बजे का। और यहाँ पर जो है मैं करने लगी हूँ लंच की तैयारी। तो ये गैथ की दाल मैंने भिगाई थी। दाल में इसको बोलते हैं गैथ की दाल, और वैसे से कुलथ भी बोलते हैं। बहुत अच्छी होती है। और जैसे किसी को पथरी की प्रॉब्लम होती है ना, तो कहते हैं कि इसका पानी बहुत अच्छा होता है। तो इसका मैं बनाने वाली हूँ फाणू। तो फाणू भी एक पहाड़ी डिश है। तो आपके साथ शेयर करती हूँ रेसिपी। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, इस दाल को रात को ही भिगा देते हैं। तो सुबह तक ये बहुत अच्छे से भीग चुकी थी। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है 3-4 बार। और अब मैं इसमें जो है लहसुन की कलियां छील के डाल रही हूँ, और साथ में मैं डालूँगी इसमें हरी मिर्च। तो ये सारी जो दाल है ना, इसको पीस देंगे। और हमारे यहाँ मतलब गढ़वाल में ना फाणू बहुत ज़्यादा फेमस होता है, मतलब हर घर में बनता ही बनता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर क्या किया है ना कि सारी जो दाल है उसे मिक्सी में ले लिया है, और इसी तरीके से सूखा पीसेंगे। इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना होता है। उसके बाद इसमें मिक्स करेंगे सूखे मसाले, और ये जो पेस्ट बनाया है इसको हाथों की हेल्प से बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये दाल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है और खाने में बहुत टेस्टी होती है। अगर आपको ये दाल नहीं मिलती है ना, तो आप इसी तरीके से उड़द की दाल या फिर चने की दाल का भी बना सकते हैं। सेम यही मतलब रेसिपी सेम ऐसे ही होगी, और बनाने का तरीका भी सेम ऐसे ही होगा। और साथ में मैंने थोड़ी सी राई भी कट कर दी है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, फाड़ू में राई बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए, मैंने ऑयल ले लिया है और ऑयल हो गया है गरम। अब क्या होगा ना, जो पेस्ट मैंने बनाया था उसकी छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ जो है उसको मैं फ्राई कर रही हूँ, और फ्राई करके इसको जो है मैं निकाल दूँगी अलग से। अच्छे से जो है, जब तक ये लाल सी नहीं हो जाती ना, तब तक इसको फ्राई करेंगे। और इसी पेस्ट को थोड़ा सा बचा लेंगे, मतलब पूरे पेस्ट की जो है पकौड़ी नहीं बनानी है, थोड़ी सी पकौड़ी बनानी है। आप चाहे तो बिना मतलब ज़रूरी नहीं है कि पकौड़ी बनाएं, लेकिन पकौड़ी से जो टेस्ट आता है ना, वो बहुत बढ़िया लगता है। तो देखिए, बैच जो है वो मैंने निकाल लिया है। उसके बाद मैं दूसरी बार की जो है फ्राई करने लगी हूँ पकौड़ियाँ। और बस जैसे ही ये भी अच्छे से फ्राई हो जाएगी, उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है जख्या। तड़का लग रहा है यहाँ पर। और जख्या ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा हींग ऐड करूँगी मैं। और साथ में मैंने इसमें टमाटर का जो पेस्ट है ना, वो बनाया था, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट, तो वो भी जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद इसमें ड्राई मसाला ऐड करेंगे, ये जो पेस्ट बनाया था। और मसाले अभी हमें हिसाब से ऐड करने हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी मसाला जो है ना उसमें भी डाल चुके हैं जो हमने पेस्ट बनाया था। तो टमाटर में हम लोग थोड़ा सा देख के ध्यान से जो है मसाले ऐड करेंगे, और उसके बाद इसको अच्छे से भूनेंगे और इसमें डाल देंगे राई। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप राई को सरसों क्यों बोलते हो, या सरसों को राई क्यों बोलते हो। तो देखिए, सरसों अलग होती है, राई अलग होती है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो ये जो मैंने इसमें ऐड किया है, ये राई है और सरसों अलग चीज़ होती है। तो अच्छे से जो है राई को भून लेंगे। उसके बाद वो जो दाल वाला जो पेस्ट हमने तैयार किया था वो ऐड कर देंगे, और बस अब इसको पकने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे करीब 20 मिनट तक। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो जी, लंच करने के बाद अभी हम लोग निकल गए हैं मार्केट के लिए। तो मम्मी जी का कुछ सामान था, मतलब उन्होंने कुछ सामान मंगवाया हुआ था, तो बस वही लेने के लिए हम लोग निकले हैं। तो हमने सोचा कि हम डी मार्ट जाएंगे, क्योंकि वो उनको ना डी मार्ट का सामान काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए, यहीं से सामान ले लेते हैं, बट नहीं, मैं डी मार्ट ही जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर जो है ऑप्शन आपको अच्छे मिल जाते हैं। तो उनका सामान भी जो भी लेना है वो वहीं से ही लेना है। तो बस बच्चों को दादी के साथ छोड़ के हम दोनों निकल गए हैं, सामान भी लेना हो जाएगा और थोड़ा सा हमारा घूमना भी हो जाएगा। तो सभी हम लोग रुके हुए हैं, थोड़ा सा ये एटीएम तक गए हुए हैं, ये आते हैं उसके बाद चलेंगे डी मार्ट। ज्यादा चीज तो नहीं लेकर आनी, थोड़ी बहुत ही चीज लेकर आनी है। बाकी कल तक ना मौसम थोड़ा सा गर्म सा हो रहा था, लेकिन आज जो है फिर से थोड़ा सा ठंडक है मौसम में, तो मैंने जैकेट डाली हुई है। वरना कल मैं घूमने गई थी ना, तो मतलब सूट में गई थी, मैंने जैकेट और स्वेटर नहीं डाला था, लेकिन आज मैंने हल्का सा ये जैकेट डाल लिया है, क्योंकि लग रही थी ठंड। और हाँ, आप लोग पूछ रहे थे मुझसे मेरे सूट का लिंक, जो मैंने ब्लैक सूट डाला था इससे पहले वाले वीडियो में। तो मैंने ना वो सूट शायद मीशो से ख़रीदा था, क्योंकि उसको हो गया है 1-1.5 साल हो गया सूट को ख़रीदे हुए। पहनती नहीं हूँ मैं उसे, बहुत कम पहनती हूँ। तो अगर मुझे लिंक मिलेगा ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लेना, और अगर आपको पसंद आएगा तो ले भी लेना। तो बस चलिए, अभी चलते हैं मार्केट में, और घर आने के बाद जो है मुझे साग की भी तैयारी करनी है। तो पतिदेव की फरमाइश थी कि उन्हें खाना है साग, और साथ
साथ में मक्के की रोटी। तो आज का जो है डिनर भी वही होने वाला है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डिनर क्या होने वाला है। तो साग की तैयारी करनी है, तो बस उसको जो है ना बॉयल करना है, तो वो सारी चीज़ें घर जाके होंगी। फिर तो भाई हमने जो है जितना भी सामान लेना था वो ले लिया है, और अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। और आज हमने खूब मस्ती की, बहुत सारे मजे किए। पहले तो हमने खाए गोलगप्पे दोनों ने ही, है ना, पहले हमने गोलगप्पे खाए, उसके बाद फिर हमने आज हमने बीकानेर की सब स्वीट्स को चेक कर लिया, सब जितनी मार्केट में नई नई आई थी, नई नई आई रबड़ी रसमलाई आई है, आप टेस्ट कीजिए, प्रमोशन कर रहे हैं फ्री में, अच्छी थी। पता है जिसको रबड़ी वाला आइटम अच्छा लगेगा उसके लिए तो ठीक थी, मुझे कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आता तो मेरे को ठीक ठीक लगी। पर सबसे ज़्यादा मज़ा आया गोलगप्पों में, मिठाई में, और बाकी जो है हमने घर वालों के लिए भी पैक करा लिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता हम ही दो खा के आए। तो देखिए ये हमने पैक कराई है, और ये भी कुछ नई सी चीज़ थी, तो चलेंगे। छेना पाए है वो, छेना पाए था उसका नाम, हम मुझे तो पढ़ने में भी नहीं आ रहा था क्या था वो, सेम वही रसमलाई का छोटा वर्जन है, उसको छोटी छोटी गोलियां बना के उसमें डाल दिया, छेना डाला हुआ है, छेना। हाँ रसमलाई का जो मिल्क है वो वही है। हाँ पर अच्छा लग रहा था खाने में ना, और मीठा कम था इस वजह से ज्यादा अच्छा लगा है। अभी घर जाना है और साग की तैयारी करनी है, और साग कटवाएंगे मेरे पति देव। आप साग काट दोगे? काट दोगे? तो सीखना भी तो है ना, तो मैं सिखाऊंगी ना आपको। तो अभी घर चलते हैं, और साग मम्मी जी ने सारा छाट दिया था कल मतलब अकेले बैठ के, और बस हमें अभी कटिंग करनी है और उसको बॉईल कर देंगे, साग बन के जाएगा तैयार। तो चलिए चलते हैं घर, बहुत टाइम हो गया, हम 3 बजे के निकले हुए, 3:30 बजे के, और अभी 5:30 हो चुका है, तो हमें मार्केट में घूमते घूमते ही जो है ना इतना टाइम हो गया है। तो चलिए हम लोग पहुँच गए हैं, और घर आते ही एक सुख जो मुझे मेरी बेटी से मिलता है। क्या कर रही है? चाय बना रही हूँ, इधर तो देख ले, और ठंडा हो रहा है ये, देखो कैसे घूम रही है। अभी से ही ना इनको इतनी बच्चों को गर्मी लगने लग गई है, और यही रीजन की बीमार पड़ते हैं, है ना। अभी वेदांश बीमारी से उठा है ना, है ना, तो पहन दे, ठीक है, वरना क्या होगा, मैं भी बीमार पड़ जाऊँ। हाँ, और यहाँ पर देखिए चाय बन रही है, लंच करके ऐसे ही चले गए थे, तो किचन की हालत देखिए। अभी इसको समेटूंगी, पहले हम लोग चाय पी लेते हैं, मंजी का चाय बनाएगी, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप किचन समेटेंगे, है ना। चलो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रात को बनने वाला है सरसों का साग और मक्के की रोटी, तो मैं आई, फिर हमने चाय पी, उसके बाद यहाँ पर साग मैं कट कर रही हूँ। तो मैंने मजाक की थी इनसे कि ये साग कट करेंगे, बट इनको आता नहीं है, जो चीज़ें लेडीज़ कर सकती है वो कहाँ जेंट्स को आती हैं। तो देखिए बारीक बारीक मैंने जो साग है उसको कट कर दिया है, और अभी जो है ना प्रेशर कुकर में ये सारा का सारा साग मैं डाल दूंगी। इसमें था सरसों, मेथी, बथुआ, पालक, सारी चीज़ें हम लोग लेकर आए थे, सारी चीज़ों को अच्छे से धो के और छांट के उसके बाद बारीक कट कर दिया है, और प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया है। और इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच नमक, थोड़ा सा पानी 1 से 1.5 ग्लास, और बस इसको अभी जो है ना कम से कम 10 से 12 सीटी आने तक ऐसे ही पकाएंगे। जो साग मैं बना रही हूँ इसकी रेसिपी जो है सासू माँ मुझे बता रही है, तो जैसे मतलब मम्मी जी बनाती है ना वैसे ही मैं बना रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ ये मत कहना कि साग ऐसे नहीं बनता, क्योंकि देखिए हर किसी का, मैं हमेशा बोलती हूँ, बनाने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, कोई किसी तरीके से बनाता है, कोई किसी तरीके से बनाता है। तो हमारे यहाँ जैसे बनता है या मम्मी जी जैसे बनाते हैं, मैं उसी तरीके से जो है आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो साग को पकने में टाइम था, तो सोचा तब तक अपने जो बर्तन हैं इनको अरेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा किचन में जगह बन जाएगी तो काम करने में आसानी होगी। तो देखिए साग में जो है 10 से 12 सीटी आ चुकी थी, उसके बाद मैंने जो इसका प्रेशर है वो निकाल दिया है, और अब साग को थोड़ा सा घोटेंगे, और अब इस स्टेज पर इसमें ऐड करेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च होती है ना, मैंने तो चॉपर में चॉप कर ली है, आप चाहे तो पेस्ट बना के भी जो है इसको ऐड कर सकते हैं। तो मैंने चॉपर में इनको बारीक से चॉप कर लिया था, सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी है, थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी, और फिर से प्रेशर कुकर का जो है ढक्कन लगा दूंगी, और 3 से 4 सीटी आने तक फिर से इसको पकाएंगे। तो इस टाइम पे लहसुन डालने का रीज़न ये है कि फिर जो लहसुन की खुशबू आती है ना वो बहुत अच्छी आती है, और अगर आप पहले ही डाल देंगे ना तो फिर खुशबू कहीं पर कम हो जाती है। तो देखिए फिर से सीटी आ गई थी 3 से 4, उसके बाद प्रेशर निकालने के बाद अब बारी आती है साग में मक्की का थोड़ा थोड़ा सा आटा ऐड करने की। तो कहते हैं ना आलन लगाना है, तो मक्की का थोड़ा थोड़ा सा आटा मैंने इसमें ऐड किया है, और साग को बहुत अच्छे से घोट दिया है,
करछी की हेल्प से आप चाहे तो वो जो मैशर होता है ना उसे भी घोट सकते हैं, बहुत अच्छे से घुट जाता है। और साग जो है बहुत अच्छे से घुट चुका है और बहुत अच्छे से जब गल जाता है तो घुट भी जाता है। तो देखिए अब बारी आती है साग में तड़का लगाने की। तो मैंने यहाँ पर जो है एक बड़ा सा प्याज जो है चॉप कर लिया था, घी ऐड किया है कढ़ाई में, प्याज डाला है और एक टमाटर जो है ना वो भी कट कर लिया है। तो बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले जो प्याज है उसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे ये टमाटर और फिर जो ड्राई मसाला होता है वो ऐड करेंगे। और साग वैसे स्पाइसी अच्छा लगता है, मतलब खूब सारी हरी मिर्च डली हो तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप हरी मिर्च कम खाते ना तो कम भी डाल सकते हैं, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा साग के। तो देखिए सारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं, टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे जितना भी साग था वो, और अब इसको पकने देंगे 4-5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे और साग बनके हो जाएगा रेडी। तो बहुत से लोगों को टमाटर प्याज बहुत पसंद होते हैं, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आते साग जैसी चीज़ों में, तो इसीलिए जो है मैंने इसमें कम डाला है। साथ मज़ा आता है मक्के की रोटी खाने का, तो मैंने आटे को गूंदने के लिए जो पानी है उसको गुनगुना कर लिया है, क्योंकि गुनगुने पानी से अगर मक्के का आटा गूंदते हैं तो वो बहुत अच्छा गूंद जाता है, एकदम सॉफ्ट। और मैं बिल्कुल पूरा मतलब मक्के का आटा नहीं है इसमें, थोड़ा सा जो है ना गेहूं का आटा भी है, क्योंकि बिल्कुल जो मक्के का आटा होता है ना उसकी रोटी हम लोगों से खाई नहीं जाती है, थोड़ा सा हार्ड हो जाती है, तो इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा गेहूं का भी आटा मिक्स कर दिया है ताकि रोटियाँ भी अच्छे से बन जाए और साथ ही साथ जो है सॉफ्ट भी रहे। तो पन्नी ले ली है और बस अब इसमें जैसे रोटी बेलते हैं उस तरीके से मैं रोटियां बनाऊंगी, और हल्का हल्का सा जो है इसमें घी भी लगाएंगे, मतलब पराठे टाइप से बनाते ना, बहुत ज़्यादा घी नहीं लगाना है, बस इसी तरीके से हल्का हल्का सा घी लगाऊंगी। और सब लोग बैठ चुके हैं और बस आज का जो हमारा डिनर है मक्के दी रोटी, सरसों का साग, प्रॉपर जो पंजाबी वाला खाना होता है वो, और उसमें खूब सारा घी। और इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करूँगी। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।